और भाई देहरादून का मौसम और देहरादून की लड़कियों का कुछ नहीं पता कब बदल जाए, क्योंकि देख लो अभी तक धूप थी और बारिश आने लग गई। पे शूटिंग भी चल रही है ये, और एक गढ़वाली सिंगर आ रखी है, पहचान रहे हो आप इन्हें? ये तो भाई शूटिंग चल रही है गाने की। भाई लोगों ये रहा अपने पीछे मंदिर, ये रहा, आया तो अभी भी नहीं, टपकेश्वर महादेव मंदिर आ गए। तो इस तरीके का मंदिर है, देखो नीचे पूरा है झरना नहाने वाने के लिए, और ये रहा मंदिर अपना। कोठी ले जा रहा है यार भाई, कोई पता नहीं कौन सी कोठी ले जा रहा है। हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज डे टू हमारा देहरादून में, और अपने हो गए भाई पूरे रेडी। और अभी फिलहाल मनी कहाँ जा रहे हैं, क्या प्लान है? चाय पीनी है, हाँ चाय पिला दे मेरे भाई। तो भाई चाय पीने जा रहे हैं, चाय पीने के बाद शायद बुड्ढा टेम्पल जाएं, क्योंकि हम नियर बाय है हमारे, फिर वो दिखाता हूँ आपको पूरा ब्लॉग में क्या सीन है क्या सीन नहीं है। तो बने रहो आगे, देखते रहो, आज का ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस गाड़ी पे आ चुके हैं और निकल चुके हैं, अभी फिलहाल जा रहे हैं चाय पीने। टाइम कितना हो रहा भाई? अरे बैटरी इन्फो, टाइम हो रहा है 10:21, मतलब वही 10:30 हो गए भाई। अपनी तो मॉर्निंग इतनी होती है यार, आज पहली आज बल्दी जल्दी हो गई, हमने तो अपने 11-12 बजे से पहले उठते नहीं है। अभी फिलहाल कलेवन टाउन में है देहरादून में, बुद्धा टेम्पल वाली रोड पे आ गए। चाय तो हमने सोचा यहीं पी लेंगे, मन्नी बाजी को दर्शन करने हैं बुद्धा जी के, तो दर्शन करवा देता हूँ मन्नी बाजी को। हेलो देख लो, ये है भाई कुछ इस तरीके का एरिया है बुद्धा टेम्पल साइड का, क्लेमन टाउन एरिया में पड़ जाता है। और दिखाता हूँ गेट को, देखो गेट दिख रहा है वो, ये देखो गेट। मनी भाई चलें अंदर, गाड़ी पार्क हो जाएगी अंदर? अरे अंदर मनी हमारे साथ सब होगा, तुम बस चलो। ये देखो सारे फास्ट फूड, लाफिंग खिलाऊं तुम्हें? लाफिंग तुम्हारे वोल्ट ढीले हो जाएंगे चटपटे खा लिए तो। तो यहाँ से अंदर को आ चुके हैं बुद्धा टेम्पल की ओर को, वो देखो सामने, अपनी गाड़ी लगा देते हैं पार्किंग में। मनी पाजी ने पार्किंग कटवा दी है, बहुत महंगी पार्किंग, ये देखो पार्किंग कितनी बड़ी है, शर्म आ जाएगी यार मनी। ये देखो भाई, तो गाड़ी पार्क कर लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद दिखाता हूँ आपको सीन शॉट क्या है पूरा। ये थी अपनी एंट्री, वहाँ थी पार्किंग, और ये अपना स्टैचू, बाकी पूरा एरिया यहीं पे भाई। बड़ा बढ़िया आज मौसम हो रहा है, मौसम बढ़िया हो रहा है, दिन अच्छे आए अपने। हो सकता है क्या पता अपने क्या पता हमें देखकर मौसम सही हो गया हो। किच्छा इतना खतरनाक हो रहा है, किच्छा तो बाढ़ आ गई भाई। एक बात तो है भाई, मतलब यार कोई भीड़ ही ना है, और मौसम हाँ, या तो हम ज्यादा जल्दी आ गए। हम भाई सुबह कितने बज रहे हैं? 10:30 हो रहे हैं, 10:30 बजे आ गए भाई। ये देखो भाई, और भाई मौसम भी भाई अपने फेवर में, मतलब मज़ा आ रहा है, मतलब यहाँ पे आओ अपनी महरालू के साथ, कोई इशू नहीं, और अपने भाई लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ, कोई नहीं, चिल करने के लिए बढ़िया है भाई लोगों। ये रहा अपने पीछे मंदिर, ये रहा, और वो देखो अपने। तो बस भाई ऐसे ही टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर भाई यहाँ से चल देंगे खाने पीने के लिए, यही है कुछ बुद्धा टेम्पल। थोड़ा से देखो पोर्ट्रेट्स, पोर्ट्रेट्स भाई, इसमें पानी भरो। क्या घंटी भाई, इस बुद्धा टेम्पल घूम लिया था, अब निकल रहे हैं भाई, भूख लग रही है बहुत तेज के, नाश्ता करना है कुछ, यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं अब, चलो चलते हैं अब यहाँ से। एग्जिट दिस वे लिखा हुआ है क्या? एग्जिट दिस वे लिखा हुआ है। अरे कोई नहीं, वहीं से कर लेंगे एग्जिट, यहाँ से कर लेंगे, मर्जी नहीं। आया तो अभी भी नहीं, टपकेश्वर महादेव मंदिर आ गए, यहाँ गाड़ी पार्क कर दी है, और देखो जय भोलेनाथ। और भाई आज दिन भी कितने अच्छे आए हैं, सोमवार को देख लेते हैं भाई सिस्टम क्या है। तो भाई ये एंट्री है भाई टेंपल की, चलो भाई फिर दर्शन करके मिलते हैं डायरेक्ट। इस तरीके का मंदिर है, देखो नीचे पूरा है झरना नहाने वाने के लिए, और ये रहा मंदिर अपना। तो ले रहे हैं प्रसाद, तरीके का मंदिर ऊपर से पूरी टपकता ही रहता है।
गाइस दिखा दिया मंदिर, उसके अंदर मंदिर था जो मेन है, और बाकी ये मंदिर और यहाँ हनुमान जी की मूर्ति। बाकी चलते हैं, अपना तो हो गया भाई। तो भाई लोगों दर्शन वर्शन भी हो गए हैं और टाइम फिर से हो गया 12:40। तो यार अब तो भाई हद से ज़्यादा भूख लग गई है, तो सोच रहे हैं अब नाश्ता कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं, दर्शन भी हो गए अब तो बस नाश्ता करने जा रहे हैं। देखते रहो अभी। और भाई तेल गली पड़ाया था 138 किलोमीटर का रेफ्ट रह गया, वो भी एक इशू ही रहता हमारे साथ तेल का, तो हमेशा कोई नहीं और डलवा लेंगे। बाकी पार्किंग से निकलते हैं। पार्किंग कितने की थी भैया? अभी कटी नहीं है, ये देख लो पार्किंग, 50 रुपये की पार्किंग है यहाँ पे कार की। बाइक वाइक का तो कहीं भी एडजस्ट कर लेना। चलो चलते हैं फिर, जय महाकाल। पे शूटिंग भी चल रही है, ये और एक गढ़वाली सिंगर आ रखी हुए, पहचान रहे हो आप इन्हें? ये तो भाई शूटिंग चल रही है गाने की। नाश्ता करने आ गए पहलवान पराठे पे। क्या पहलवान पराठा? पहलवान पराठा खाते हैं, पराठे खा लिए दबा के, पहलवान पराठे के। पहलवान ही साइज था, टेस्ट ठीक था, एवरेज था, बट साइज भाई पहलवानों वाला था। और भाई देहरादून का मौसम और देहरादून की लड़कियों का कुछ नहीं पता कब बदल जाए, क्योंकि देख लो अभी तक धूप थी और बारिश आने लग गई भाई। ये फेज एकदम सच है, अब इसको ट्रॉल मत करने लग जाना बस। देख लो भाई मौसम, जा रहा हूँ भाई, ऋषभ का फोन आया है। ऋषभ कह रहा है कि भाई मुझे भी पिक कर लो यार, मुझे भी घुमा दो थोड़ा, घुमा देते हैं भाई को थोड़ा। भाई लोगों सीन कुछ ऐसा, भाई खाने के बाद बारिश हो ही गई थी, पता था तुम्हें देहरादून की बारिश है। तो भाई ये ऋषभ आ गया, इसको पिक कर लिया, इसने बोला कि उठा लो भाई मेरे को भी कहीं घुमा दो यार गरीबों को, तो घुमाने ले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? इधर हम जा रहे हैं कोटी घूमने। कोटी? कोटी यार कोटी ले जा रहे हैं यार भाई, कोई पता नहीं कौन सी कोटी ले जा रहा है। कोटी भी आशियाना का ठिकाना है, बड़ा। अच्छा चलो भाई, इसकी कोटी देख लेते हैं भाई, कोटी जा रहे हैं। देखो भाई एकदम पहाड़ों जैसा रास्ता है नहीं ठीक है, फिर भी जंगल है, पता नहीं कोई मंगल होगा रात को, होता है तुम्हें बड़ा पता है यार, गाड़ी लगी होगी ना। अरे अरे तो, और उसमें कौन होता है? कौन होगा भाई तुम बताओ ना। हाँ नहीं पता, इतना डिटेल नहीं चाहिए, डिटेल नहीं दे रहे भाई, अभी भी आनी जाएगी। देयर इज अ चेंज इन प्लान, हमारे एक भाई हैं, उधर आओ तुम। ये कौन सी कोटी लाए हो तुम? ये है दुंगा वाली कोटी। ये दुंगा ले आया भाई, कोटी बोल के गया था, हमारे दुंगा ले आया यहाँ। क्या देगा यहाँ? चाय पानी पीते, क्या चाय पानी पियेंगे। अच्छा और क्या? चलो भाई लोगों बारिश हो रही है, वैसे है बड़ी प्यारी जगह, मैंने पहले भी इसका ब्लॉग बना के डाल रखा है, होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देख लो बाकी तो ऐसे सीन है, यहाँ पे एक छोटी दुकान है, ये देखो व्यू, देखो एक बार व्यू चेक करो। नहीं तो चल रही है चाय मंगा ली थी यहाँ पे, बाकी ये दो भाई तो बाहर पी रहे हैं, इन्हें बारिश में पीने का पता नहीं क्या शौक है, अपने तो भैया मस्त मस्त एसी चला के चल चाय का आनंद दे रहे हैं। और फिर निकलना हमें एक जगह, काम है थोड़ा काम निपटा के फिर आप लोगों को मिलूंगा, काम पहले इम्पोर्टेंट है थोड़ा। चाय पियो आप भी भाई बारिश के मस्त मौसम में। भाई फिर तेल ख़त्म हो गया गाड़ी में, फिर आ गए भाई पड़वाने। मनी पाजी कितने का तेल बर्बाद कर देंगे दो दिन में? 6,000 का तो बर्बाद हो ही गया, अभी एक दो दिन पूरे नहीं हुए, देखते हैं आगे भाई। चलो कर दो भाई QR पे। भाई लोगों यार मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि यार हमारे को कुछ ज़रूरी काम आ गया था इसलिए हम चले गए थे, बट भाई अब भाई रात को मैं रुकने आ गया था अपने दोस्त के पास, भाई ने मिलाया था, तो वहीं पे डिनर विनर कर लिया। और अब भाई रात के कितने बज रहे हैं? टाइम कितना हो रहा है? चार एक रात के बज रहे हैं एक। और भाई ये भाई से मिल लो, ये भाई हैं हमारे, नाम क्या है भाई? ऋतिक भाई तो इनके साथ बस भाई जा रहे हैं चाय पीने। ऋतिक भाई ने कहा चाय पीने चलते हैं फूड चचा के बाद, अब फूड चचा है या चच्ची है देखते हैं भाई इस टाइम पे क्या मिल जाएगा, तो चाय पीने जा रहे हैं। एक हमारा भाई भागा हुआ है, पता नहीं फरार है यार। आप लोग ये देखो भाई रात को काफिले निकल रहे हैं, पता नहीं सरकारी ताल पे हमारे काफिले नहीं चलते, हमारा एक भाई फरार है यार। अरे सबसे यार मिलाया तो शायद नहीं मिलाया, अभी मिला दूंगा।
दुंगा, हाँ दुंगा में मिला तो था। तो भाई लोगों भाई पर फरार है, पता नहीं कहाँ किसके चक्कर में पड़ गया हो। आप समझ रहे हो आजकल देहरादून में लोग किसके चक्कर में पड़ जा रहे हैं। चलो कोई नहीं, आने दो भाई को हमारे, वो भी हमें फूड चच्चा पे मिलेगा। अभी चल ही रहे हैं सुनसान में, पैदल भी चल रहे हैं आज बहुत टाइम बाद भाई। सो गाइस गुड मॉर्निंग, कल ब्लॉग एंड करना भूल गया था भाई, चाय के बाद इतनी तगड़ी नींद आई कि भाई मंदी और मैं तो भाई फैल गए भाई सो गए। बाकी अभी उठे हैं, अब डायरेक्ट घर को जा रहे हैं और बस यहीं पे नाश्ता कर रहे हैं, यहीं पे एक रेस्टोरेंट पे फेमस है यहाँ का डोसा। सोचा सुबह सुबह डोसा करके घर को निकल जाए डायरेक्ट उनसे। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि जैसे ही मैं अपना अगला ब्लॉग डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मिलता हूं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, सी यू, जय हिंद, वंदे मातरम।